हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या व्लॉगर। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे ककड़ी के पौधे हैं। मैं इन्हें जो है 20-25 दिन पहले ही अभी लगाई थी और इसमें ढेर सारी ककड़ियाँ लग गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने छोटे से ग्रो बैग में ये ककड़ी पहली बार ऐसे ट्राई किया था और जो है इसमें काफ़ी ककड़ियाँ लग गई हैं। मुझे देख के बहुत खुशी लग रही है कि पहली बार मैंने ककड़ी जो है ग्रो बैग में लगाई है और इसका रिज़ल्ट इस तरीके से मुझे मिला है। काफ़ी ककड़ियाँ लगी हुई हैं और इसमें ढेर सारे भी छोटी छोटी ककड़ियाँ भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए कई सारी ककड़ियाँ ऐसे लगी हुई हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देती हूँ। अभी तो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था और तब से मैंने भी डाला नहीं है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेटर आ रहा है। ढेर सारी जो है ककड़ियाँ छोटी छोटी हैं और बड़ी ककड़ियाँ भी लगी हुई हैं और देखिए फूल भी ढेर सारे इसमें ऐसे लगे हुए हैं। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से ग्रो बैग में ककड़ी खीरे वगैरह लगा सकते हैं और अपने घर पे ही जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से छोटे से मूली भी लगी है, मैं बस ऐसे ही बस लगा दी थी एक दो बीज, वो भी देखिए मूली भी इसमें लग गया है। मैं हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ, देखिए छोटा सा ही है लेकिन घर पे छोटी सी फैमिली के खाने के लिए काफ़ी होता है। आप दो चार ग्रो बैग में लगा देंगे तो सीज़न में आराम से खा सकते हैं। देखिए ककड़ियाँ कितनी सारी इसमें लगी हुई हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ग्रो बैग में ट्राई किया था और इस तरीके की ककड़ियाँ देख के मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।